आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल, इज इट विजिबल? पॉसिबल। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इमेज एनहेंसमेंट टेक्निक, इमेज एनहेंसमेंट टेक्निक विच इज फर्स्ट वन इज अ स्पेशल डोमेन domain based technique, second one is a frequency domain based technique, and in special domain technique we have discussed point processing, then mask processing and histogram equalization or histogram specification or target histogram, right? In frequency domain technique, before we have discussed frequency domain technique, first we will discuss about the Fourier transform. What is Fourier transform in a DIP? So Fourier transform, first we will discuss Fourier transform and its properties, right? So first we will discuss Fourier transform. Suppose fx, first we will discuss continuous time Fourier transform. Continuous Fourier transform. Suppose fx is a continuous function. fx is a continuous function. Continuous function. And fu is a Fourier transform of x. Suppose fu is a Fourier transform of fx, right? So fu can be written as fu is a minus infinite to infinite fx e raised to the power minus j 2 pi u x dx. आई थिंक ये क्लियर है सबको. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? तो कंडीशन फॉर दिस इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन. कंडीशन फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज, अगर मैं कंडीशन की बात करता हूँ, कंडीशन क्या है आपके पास? एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूस, and it should be integrable. तो ये क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए और क्या होना चाहिए? इंटीग्रेबल होना चाहिए, राइट? तो दिस इज अ कंडीशन फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म इन कंटिन्यूस फोरियर ट्रांसफॉर्म. सपोज अगर मैं IDFT की बात करता हूँ, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की अगर मैंने बात कही तो क्या लिखेंगे हम? एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यू ई रेस टू द पावर जे टू पाई यू ऑफ एक्स डी. दिस इज अ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ यू. सो वी कैन इजिली राइट एफ एक्स इक्वल टू IDFT ऑफ एफ यू. So for inverse Fourier transform, we have a condition fu should be integrable. fu should be integrable. Basically, fu should be integrable for condition for inverse Fourier transform. So we can easily say that fx and fu are the Fourier transformation pair. This is also known as a Fourier transform pair, right? So in general, fu is a complex quantity. fu kya aata hai generally? Complex quantity. So अगर मैं
एफ यू को कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या लिखेंगे, एफ यू शुड बी इक्वल टू आर यू रियल पार्ट ऑफ एफ यू आर यू प्लस जे इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ यू, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ यू ई रेज टू द पावर जे ऑफ पाई यू, राइट। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, नॉर्मली दिस इज़ अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरीके से लिख सकते हैं। सो वी कैन से दैट एफ यू इज अ अंडर रूट ऑफ आर यू स्क्वायर प्लस आई यू स्क्वायर, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द फोरियर स्पेक्ट्रम ऑफ एफ एक्स, राइट। एंड वाई यू इज ऑल्सो कैलकुलेटेड बाई 10 इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ यू विच इज आई यू एंड डिवाइड बाई रियल पार्ट ऑफ एफ यू विच इज आर यू। दिस इज अ फेज ऑफ एफ एक्स, राइट। एंड द सेकेंड वन, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द पावर स्पेक्ट्रम विच इज ऑल्सो डिनोटेड एज अ पी यू। पी यू इज नथिंग बट इज अ स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ यू मॉड ऑफ, एंड सो वी कैन इजिली सेट दैट इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर यू प्लस आई स्क्वायर यू, एंड दिस इज नोन एज अ पावर स्पेक्ट्रम। दिस इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर अ वन वेरिएबल, और वी कैन से दैट द वन डायमेंशनल फोरियर ट्रांसफॉर्म। किसी को आइडिया है स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या है? आंचल, भावना, एनीवन? ग्रुप ऑफ इंटेंसिटी। और मंदीप, व्हाट इज स्पेक्ट्रम? मोहित, वंदना, अ ग्राफ विच वेरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज एंड इज केप्ट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू अदर वैल्यूज। Graph is varied according to different values. What values? If we talk about like the yes sir. Bolo. Sir, spectrum is simply a graph which is plotted in means like if you take S spectrum, then it would be there are S spectrum, Z spectrum, and they are plotted according to, like here we have complex and real values, and here we are considering magnitude and phase. According to that, they will be plotted. Spectrum word means the term frequency. Basically, suppose अगर मैं एफ यू की बात करता हूँ, कैपिटल ऑफ एफ यू, दिस इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ एफ यू, राइट। तो अ ग्राफ बिटवीन फ्रिक्वेंसी वर्सेस अ मैग्नीट्यूड, नॉट एनी वैल्यू, ठीक है। बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ फ्रिक्वेंसी, राइट। सपोज अगर मैं पावर स्पेक्ट्रम की बात करता हूँ, पावर स्पेक्ट्रम में किस चीज़ से डिनोट किया? दिस इज अ पावर ऑफ अ एफ यू सिग्नल, फोरियर ट्रांसफॉर्म। हाउ वी विल कैलकुलेट द पावर? विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ अ फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो
बेसिकली स्पेक्ट्रम मीन्स फ्रिक्वेंसी इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज सपोज पावर, बिकॉज इट इज़ अ पावर स्पेक्ट्रम. बेसिकली हम किसी भी स्पेक्ट्रम से क्या कैलकुलेट कर देते हैं कि उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर इंटेंसिटी क्या है. सपोज अगर मैं पावर स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ तो इस पर्टिकुलर F1 फ्रिक्वेंसी पर पावर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, पावर की वैल्यू क्या है. तो सपोज अगर हम कोई भी नॉर्मल सिग्नल लेते हैं या टाइम डोमेन में देखेंगे या किसी अदर वेरिएबल्स में देख सकते हैं F(t), दिस इज़ नॉट अ स्पेक्ट्रम एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अ सपोज F(t) इज दी सपोज फंक्शन F इज डिनोटेड अ a+jb, राइट, एंड a इज अ रियल पार्ट ऑफ F एंड b इज अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ F. तो सपोज अगर मैं इसके बीच में कोई ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट अ स्पेक्ट्रम, राइट वंदना, ये बोल रहे थे आप. ठीक है, यस सर. तो दिस इज अ स्पेक्ट्रम बेसिकली अ टर्म एंड अ ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एन अदर वेरिएबल इज नोन एज अ स्पेक्ट्रम. राइट, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अ वन डायमेंशनल फूरियर ट्रांसफॉर्म, बट इन केस ऑफ DIP वी हैव अ टू डायमेंशनल वेरिएबल और वी कैन सी द टू डायमेंशनल इमेज विच इज Fx, y. सो इन दैट केस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टू डायमेंशनल फूरियर ट्रांसफॉर्म. सो इन केस ऑफ टू डायमेंशनल फूरियर ट्रांसफॉर्म सेम कंडीशन Fx, y इज अ कंटिन्यूस. सपोज हमने कंटिन्यूस एज्यूम किया, इट मीन्स इट इज़ अ एनालॉग इमेज एंड Fu, v इज अ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ Fx, y. सो वी कैन ईजिली राइट दैट Fu, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -∞ to ∞ Fx, y e^(-j2π)(ux+py) इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx एंड dy. दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ टू डायमेंशनल वेरिएबल Fx, y. एंड इफ यू टॉक अबाउट द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इन केस ऑफ टू डायमेंशनल सिग्नल, तो वी कैन इजिली राइट दैट Fx, y इक्वल टू -∞ to ∞ Fu(v)(e^(+j2π)(ux+vy)(du/dv). This is the inverse Fourier transform formula in case of two dimensional variable. So similarly Fu(v) in general, Fu(v) is also a complex number, so we can easily write that R(u)v, which is a real part of Fu(v), plus j(i)(u)v, which is a imaginary part of Fu(v). So if you talk about the Fourier spectrum, so you can easily calculate that Fu(v) is equal to under root of R(u)v+I(u)v. Right, this is a Fourier transform in case of analog image, Fourier spectrum, because magnitude curve between magnitude versus frequency.
right? And if we talk about the phase f of uv, so we can easily write that tan inverse imaginary part of f of uv, which is and divided by r of u. And similarly, we can calculate power spectrum, which is the square of magnitude of f of uv. This is the power spectrum. Power spectrum means a graph between frequency versus power. And this is a power spectrum. So, एक example consider करते हैं. X, y, and suppose this is a f of x comma y, right? Suppose this is a capital X, capital Y, and all values 0 to Y, the value of fxy is capital N. Similarly, for all value of 0 to X, capital fx value is value A. So, in this figure, we can easily write that f of xy is nothing but it is a value of A, where x varies from and y varies from 0 to y, and otherwise its value is 0. उसको हमने क्या किया, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. सपोज आपको इस अब एनालॉग फंक्शंस का, कंटिन्यूस फंक्शन का आपको क्या कैलकुलेट करना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म. तो फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ यू वी इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ई रेस टू द पावर माइनस जे टू वाई यू एक्स प्लस वी वाई डी एक्स डी वाई. So fxy is a constant in the range of 0 to x and 0 to y. So we can easily write that a 0 to y and 0 to x, 0 to y and 0 to x, fxy value is the constant variable a, and this is the j 2 pi ux plus b dx dy. तो सिंपली अगर आप इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, देन यू कैन गेट एफ ऑफ यू वी इक्वल टू ए एक्स वाई टू साइन ऑफ, इसे कंप्लीट सॉल्व करूं एक बार या डायरेक्टली आंसर लिख दूं? सर आप लिख दीजिए, मतलब ट्राई कर लेंगे, नहीं आएगा तो फिर से पूछ. हाँ एक बार पूछ लेना फिर, ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, लेंथी हो जाएगी आपके कैलकुलेशन, है ना. पाई यू एक्स ई रेस टू द पावर माइनस जे पाई यू एक्स डिवाइड बाय पाई यू एक्स
साइन पाई यू वाई ई रेज़ टू द पावर माइनस जे ई रेज़ टू द पावर माइनस जे पाई यू वाई डिवाइड बाय पाई यू वाई दिस इज द एफ ऑफ यू वी. सपोज अगर मैं मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम की बात करता हूँ तो क्या लेंगे हम एफ ऑफ यू वी एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द इट्स मैग्नीट्यूड इज वन बिकॉज ई रेज़ टू द पावर जे मैग्नीट्यूड इज वन. सिमिलरली ये मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा वन. तो ओवरऑल आपके पास क्या बचेगा ए एक्स वाई साइन ऑफ पाई यू एक्स अपॉन पाई यू एक्स मोड एंड दिस इज द साइन ऑफ पाई यू वाई अपॉन पाई यू वाई. दिस इज द फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम और फोरियर स्पेक्ट्रम ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई. ठीक है, तो एक बार मैं आपको विजुअलाइज करा देता हूँ किस तरीके से आपको दिखेगा. मैंने यहाँ पर आपको नोट्स में मैं अब दे दूँगा आपको. सपोज हमने फंक्शन क्या एज्यूम किया था, ये फंक्शन हमने एज्यूम किया. ठीक है, फंक्शन एज्यूम किया, इसको सॉल्व किया है, देन यू कैन गेट द फोरियर स्पेक्ट्रम दिस द एंड इफ यू विजुलाइज दिस स्पेक्ट्रम then you can get this is a function and this is the Fourier spectrum of that function. So and this is a Fourier spectrum. तो आप यहाँ notice करेंगे अगर मैं इस point, this is a center point of suppose this is a U, so this is and this is center point of V. basically ये represent करने के लिए आपको ऐसा दिखाया है V ज़ीरो होगा यहाँ पर भी इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, अगर यहाँ पर नोटिस करेंगे इफ़ यू इक्वल टू वन बाई एक्स वन बाई कैपिटल एक्स, तो यू इक्वल टू वन बाई एक्स कंडीशन में क्या होगा आपके पास वैल्यू क्या आएगी इसकी ज़ीरो. यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी ज़ीरो. ठीक है, यू इक्वल टू वन बाई टू एक्स यू इक्वल टू टू बाई एक्स करेंगे आप 2 बाई एक्स करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी फिर से ज़ीरो बिकॉज यू की वैल्यू आप जब 1 बाई एक्स पुट करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट एंड साइन पाई इज ज़ीरो. सिमिलरली तो बेसिकली साइन पाई साइन 2 पाई क्या होते हैं ज़ीरो. तो आप 1 बाई एक्स या 2 बाई एक्स पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास ज़ीरो. सिमिलरली नेगेटिव डायरेक्शन में आप माइनस 1 बाई एक्स 1 माइनस 2 बाई एक्स पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी ज़ीरो. सिमिलरली इन द केस ऑफ एक्सेस वी तो आप यहाँ पर अगर सपोज वन बाय वाई पुट करेंगे तो वन बाय वाई जैसे यहाँ पर पुट करेंगे वन बाय वाई मीन्स पाई पाई कैंसिल आउट एंड साइन पाई इज ज़ीरो. तो सेम इस केस में ज़ीरो आएगा, यहाँ पर अगर माइनस वन बाय वाई रखेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा. तो इस टाइप से आएगा. बेसिकली आप नोटिस कर सकते हैं जीरोथ पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है स्पेक्ट्रम की. जीरोथ पॉइंट पर क्या आ रहा है बेसिकली मैक्सिमम पॉइंट. तो जीरोथ पॉइंट पर जो आपके पास वैल्यू आती है इसको बोलते हैं हम डीसी कंपोनेंट. ये हम आपको नेक्स्ट जब हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो आपको कंपोनेंट उसमें क्लियर करेंगे. एफ ऑफ जीरो जीरो इज़ द डीसी कंपोनेंट और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स. It is also known as average value of fx function, basically function. तो notice किया आपने center point पर ही आपके पास intensity क्या है, magnitude spectrum basically magnitude क्या है I. ठीक है, तो इस तरीके से ये function आपको represent होगा. Clear है यहाँ तक, किसी को doubt है इसमें? Yes. Okay. So next is टू डायमेंशनल डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन. अभी हमने क्या पढ़ा है कंटिन्यूस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज अ टू डायमेंशनल
टू डायमेंशनल डीएफटी डिस्क्रीट फूरियर सो इन केस ऑफ डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास कोई भी पर्टिकुलर आपके पास जो भी इमेज होती है आप डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन उसमें अप्लाई करेंगे ठीक है. तो वी कैन से दैट सपोज इमेज साइज इज एम क्रॉस एन ठीक है. इमेज साइज है आपके पास एम क्रॉस एन बेसिकली एफ एक्स कोमा वाई इज द साइज ऑफ एम क्रॉस एन. तो आप क्या लिख सकते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स वाई इज ऑल्सो डिनोटेड बाई एफ ऑफ यू वी विच इज इक्वल टू वन अपॉन एम एन बिकॉज इट इज़ अ डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म. सो वी कैन राइट अ समेशन समेशन एक्स वेरीज फ्रॉम जीरो टू एम माइनस वन एंड वाई वेरीज फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन एंड इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इंटू ई रिज टू द पावर माइनस जे टू बाई यू एक्स बाई एम प्लस वी एक्स बाय एन राइट. दिस इज अ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ डिस्क्रीट सिग्नल बेसिकली इमेज एफ ऑफ एक्स वाई विच इज साइज एम एंड एन राइट. इफ यू एंड यू वेरीज फ्रॉम यू इज ऑल फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो साइज हैव अ एम क्रॉस एन. सो बेसिकली यू वेरीज फ्रॉम जीरो टू जीरो वन टू एंड अप टू एम माइनस वन एंड ऑल्सो वी कैन राइट वी वी इज वेरीज फ्रॉम जीरो टू एम माई एन माइनस वन. सो आई थिंक दिस इज क्लियर. तो वी टॉक अबाउट नेक्स्ट इज सर वो एक्सपोनेंशियल की पावर यू एक्स अपॉन एम और प्लस में वी वाई अपॉन एन है या यू एक्स अपॉन एन ही है वो नहीं यू एक्स अपॉन एम यू एक्स अपॉन एम सर उसके आगे सॉरी इसके आगे वाली ये यू एक्स अपॉन एन क्लियर नहीं थी आवाज आपकी. हेलो क्लियर सर. ओके तो नेक्स्ट इज अ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म आई डी एफ टी फॉर अ सॉरी आई डी एफ टी बेसिकली इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म इन अ टू डायमेंशनल सिग्नल. सो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे एफ ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू समेशन यू जीरो टू एम माइनस वन एंड सेम कंडीशन हमने अज्यूम किया यू ऑफ बी का साइज भी क्या है आपके पास एम क्रॉस एन. तो बी ऑल्सो वेरीज फ्रॉम एन जीरो टू एन माइनस वन. तो एफ ऑफ यू वी ई रेश पावर जे टू बाई यू एक्स अपॉन एम प्लस वी वाई अपॉन एन बेसिकली यहाँ पर साइन चेंज हो गया ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स discrete Fourier transform in two dimensional signal whereas x varies from 0 to m minus 1 and y is varies from 0 to n minus 1 ठीक है. आई थिंक ये भी क्लियर है आपके पास. सो कंडीशन अगर हम एज्यूम करते हैं इफ इट इज अ स्क्वायर इमेज बेसिकली स्क्वायर इमेज मीन्स m इज इक्वल टू n इफ m is equal to n so we can easily write that f of u v equal to 1 upon n square summation x comma y varies from 0 to n minus 1 f of x y e raised to the power minus j 2 pi by n u x plus v y. Similarly inverse Fourier transform which is equal to f of xy equal to summation u v
varies from 0 to n minus 1 and f of u v e raised to the power, sorry, this is j, plus j 2 pi by n u of x plus p of y. ठीक है, क्लियर है आई थिंक. तो सिमिलरली इन दैट केस एफ ऑफ यू वाई इज जनरल इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, सो वी कैन राइट आर ऑफ यू वी प्लस जे आई ऑफ यू वी, एंड सो वी कैन कैलकुलेट द फूरियर स्पेक्ट्रम विच इज इक्वल टू दिस टर्म. And similarly, we can calculate phase angle, and similarly, we can calculate phase angle is a tan inverse I of UV and R of UV, and also calculate the power spectrum in case of two dimensional discrete Fourier transform. This is the P of UV is equal to mod of F square UV. Sorry. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes sir. ठीक है. अभी आप एक काम कीजिए, विद इन 5 मिनट्स अगेन ज्वाइन कीजिए. ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ यह सेशन. अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं.